हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। 20 साल बाद धूमिल की कविता। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है, मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त ये नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप।